दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह लेक्चर 10 है और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किए थे, जैसे कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एंड रिजल्टेंट फोर्सेस, ये सारे के बारे में हम लोग अच्छे से कवर कर चुके थे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम लोग दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे जितना भी सवाल बन सकता है वो सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को यह पढ़ना है कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल फोर्स इंटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ बोथ कंपोनेंट सेम टू द रिजल्टेंट फोर्स, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब यही दोस्तों कि एक सिंगल फोर्स को दो भागों में तोड़ देना, और उन दोनों भागों में जो तोड़ा गया है, मतलब कि दो फोर्स जो बना, उन दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वह एक सिंगल वाले फोर्स का बराबर होना चाहिए। बेसिकली आप इस फिगर से समझिए दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों, एक नदी है जिसमें एक नाव है। नाव किसी कारणवश तैर नहीं सकता, तो नाव में जो आदमी था वो उसका दोस्त एक ए है और उसका दोस्त एक बी है। तो नाव में दोस्तों दो रस्सी है, इसमें के जो आदमी बैठा हुआ है वो एक रस्सी ए को दिया और एक रस्सी बी को दिया, और बोला कि ए तुम F1 फोर्स से मुझे खींचो और बी तुम F2 फोर्स से मुझे खींचो। तो ए जो है वो F1 फोर्स से इस नाव को खींचा और बी जो है वो F2 फोर्स से इस नाव को खींचा। तो ये नाव बेसिकली इस डायरेक्शन में और आगे बढ़ा वी F फोर्स के साथ। तो दोस्तों, मैं वही कहना मैं चाहता हूँ डिफिनेशन के अनुसार कि एक सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स कौन है दोस्तों? एफ। एफ क्या है दोस्तों? सिंगल फोर्स है, लेकिन इस सिंगल फोर्स को हमने दो भागों में बांटा, एक F1 और एक F2, और दो भागों में बांटा, और जो इन दोनों का जो इफेक्ट है उन दोनों को मिलाकर उसके समानांतर होगा इसका इफेक्ट, जो ये वाले फोर्स का इफेक्ट। तो बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यही कहता है कि किसी एक सिंगल फोर्स को दो भागों में बांट देना या दो कंपोनेंट में बांट देना, और वो दोनों कंपोनेंट जो होगा वो एक सिंगल फोर्स पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जो दोनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो पहले वाले फोर्स पर बराबर होना चाहिए या समानांतर होना चाहिए। तो बेसिकली आपका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यही कहता है। अब दोस्तों, मान लीजिए एक रिजल्टेंट फोर्स है ये वाला, और इसका कंपोनेंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला कंपोनेंट है एफ ए और इसका कंपोनेंट है एफ बी। तो वही बात है दोस्तों, इसमें एक कंपोनेंट है एफ बी एंड एक कंपोनेंट है एफ ए, और ये यहाँ पर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों ये है। तो एफ ए एंड एफ बी आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है किसका? तो एफ का। मतलब ये जो एफ ए है ये वाला एफ ए, और ये जो एफ बी है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसका? तो ये एफ वाला का। तो बेसिकली ये भी आपको फिगर से ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का बेसिक चीज़ ये वाले फिगर से दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक एक एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, और अब एक्स एक्सिस पे तो दोस्तों इधर एक्स रहता है, इधर माइनस में एक्स रहता है, इधर वाई रहता है, इधर या सॉरी दोस्तों, इधर माइनस में वाई रहता है, इधर वाई रहता है। अब इसका जो ओरिजन है दोस्तों, इस सेंटर सेंटर पर एक रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है जिसका वैल्यू है दोस्तों कितना? तो 10 न्यूटन का। और इसका दोस्तों, अगर कोई बोले कि इसको आप रिजॉल्व करिए कि इसका दो कंपोनेंट आप फाइंड करिए, तो सबसे पहले दोस्तों दो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपका पहले दोनों कंपोनेंट आप पहले बना लीजिए। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है दोस्तों 10 न्यूटन का, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, यह पहला कंपोनेंट है, ये जो एफ एक्स है यह पहला कंपोनेंट है, और इस डायरेक्शन में जो मेरा है एफ वाई ये मेरा दूसरा कंपोनेंट है। अब दोस्तों, ये वाला पॉइंट पढ़िए, वह कंपोनेंट जिसके साथ एंगल जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं, और जिसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है उसे हम साइन कंपोनेंट कहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो थीटा बराबर 30 डिग्री है ये किस एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है? एक्स वाले एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, वाई एक्सिस के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है थीटा।
तो बेसिकली जो जिस जिस कंपोनेंट के साथ अगर एंगल जुड़ा हुआ है तो उसे हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, एफ कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये जो 30 डिग्री है ये एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस में जुड़ा हुआ है, जिसे हम एफ कॉस 30 डिग्री कहेंगे। इसको दोस्तों और हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू कितना था दोस्तों, 10 न्यूटन। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और ये मेरा कॉस हो जाएगा और ये मेरा 30 हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम दोस्तों एफ वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वह इसमें तो दोस्तों एंगल नहीं जुड़ा हुआ है, तो जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा हुआ था उसको हम साइन कंपोनेंट कहते हैं। तो एफ साइन 30 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 10 साइन ये हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। तो यह बेसिकली आपको इसका फिर वैल्यू निकाल दीजिए दोस्तों, और इसका वैल्यू निकाल दीजिए आपको यह आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है और ये फिगर्स आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप है, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का रेजोल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ मेथड है या कुछ स्टेप है। पहला स्टेप दोस्तों यह कहता है कि जितना भी फोर्सेस है वो सब के सब हॉरिजॉन्टली पहले आप रिजॉल्व कर लीजिए। जितना भी एक्सिस पर अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स है तो वो सारे के सारे पहले रिजॉल्व कर लीजिए, फिर उसको आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, जिसको आप डिनोट करते हैं ए वाले साइन से। आप लोग याद रखिएगा ये आपको समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब स्टेप ये टू क्या बोलता है दोस्तों कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज वर्टिकली, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट डैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल। और फिर दोस्तों यह कहता है कि फिर जितना भी फोर्सेस वर्टिकली है उसको भी रिजॉल्व कर लीजिए और फिर उसको भी आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, और जिसको आप सूचित करते हैं ये वाले साइन से। स्टेप थ्री कहता है दोस्तों कि अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आर बराबर, या रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो इसका सम का स्क्वायर और इसका जितना भी वर्टिकली फोर्सेस जोड़ने के बाद जितना वैल्यू आया दोस्तों उसका स्क्वायर, और प्लस में हॉरिजॉन्टली वैल्यू जितना आया दोस्तों उसका स्क्वायर, प्लस में इसका स्क्वायर, प्लस में इसका स्क्वायर, अगर हम जोड़ दें और ऊपर से अंडर द रूट टर्म लगा दें तो आपका आ जाएगा दोस्तों मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों यह फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इसका बहुत यूज है, और आगे भी मैं इस वाले फार्मूला का यूज करके प्रॉब्लम बनाऊंगा। स्टेप फोर दोस्तों यह कहता है कि अगर रिजल्टेंट तो दोस्तों निकल गया और मैग्नीट्यूड निकल गया, मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल गया। अब दोस्तों अगर हम लोग को डायरेक्शन अगर पूछ दें तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो दोस्तों आप ये वाले फार्मूला से डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला क्या है दोस्तों, 10 अल्फा बराबर होता है समेशन ऑफ वर्टिकली जितना भी फोर्सेस है, और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली जितना भी फोर्सेस है। तो अगर हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली मैंने जो हॉरिजॉन्टल जितना वैल्यू आया है उसको उससे अगर हम भाग दे देंगे वर्टिकली फोर्सेस में, तो मेरा 10 अल्फा बराबर आएगा, और अल्फा बराबर अगर हम यहाँ से कर देंगे 10 इनवर्स बराबर ये वाला, तो ये जो वैल्यू आएगा उसको हम 10 इनवर्स से वैल्यू निकाल देंगे, तो वो जितना वैल्यू आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको डायरेक्शन। तो दोस्तों वही वाला यहाँ पर फिगर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए थे, जो कि हम प्रीवियस में बताए। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर आपको 10 न्यूटन से काम कर रहा है, तो यह जो इसका जो पहला कंपोनेंट है एफ एक्स, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है एफ वाई, तो एफ वाई के साथ एफ साइन 30 डिग्री का कोण बनाएगा और इसको एफ कॉस 30 डिग्री का साइन बनाएगा। तो एफ साइन 30 डिग्री है तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 10, तो 10 साइन 30 डिग्री, और एफ का वैल्यू 10 तो यहाँ पर 10 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि जो एंगल है ये कॉस वाले एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी दोस्तों एक्स वाले एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसको हम कॉस कहते हैं, कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये आपको क्लियर हम पहले ही कर दिए थे, फिर से यहाँ पर एक बार और क्लियर कर दिए अच्छे से। अब दोस्तों बात रह गया कि अगर इस वाले एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है तो हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं, अगर ये वाले एक्सिस के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो वो भी यहाँ पर हम बताए हैं ये वाले फिगर में। देखिए दोस्तों इसमें एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी 10 न्यूटन का है, लेकिन इस बार जो एंगल मिल रहा है वो हमारे वाई एक्सिस के अनुरूप है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो हम जो पॉइंट बताए थे कि जिस कंपोनेंट के साथ अगर एंगल जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं, तो इस बार एंगल किस वाले एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ है, तो वाई वाले एक्सिस का जुड़ा हुआ है, तो आपको वाई वाले एक्सिस को ही कॉस कंपोनेंट कहना है, न कि आपको ये वाले कंपोनेंट के साथ। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जिस कंपोनेंट के साथ अगर एंगल जुड़ा हुआ हो तो उसी को हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो आपको बेसिकली आपका जो 10 वाला है यहाँ पर आप कॉस हो जाएगा 10 कॉस 70 डिग्री, और ये वाला एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो इसमें 10 साइन 70 डिग्री। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम कॉस कंपोनेंट कहेंगे, अगर एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम कॉस कंपोनेंट कहेंगे।
अब एक थोड़ा प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। रिजॉल्व द फोर्स इंटू टू कंपोनेंट। एक फोर्स दिया हुआ है हमको, रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है दोस्तों 50 न्यूटन का। वो बोल रहा है कि हमको इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करिए, और जिसका एक एंगल दिया हुआ है दोस्तों हमको 30 डिग्री। तो पहले दोस्तों ये जो रिजल्टेंट फोर्स है मेरा 50 न्यूटन का, और इसका एंगल है दोस्तों जो 40 डिग्री का है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 40 डिग्री होगा, जो कि 40 डिग्री है। और फिर दोस्तों हम पहले इसका दो कंपोनेंट पूछ रहा था, पहले हम इसका दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो मेरा एक पहला कंपोनेंट है दोस्तों एफ एक्स, और दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों एफ वाई। तो हम बताए थे दोस्तों पॉइंट में कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल जुड़ा हुआ होता है उसे हम कॉस कंपोनेंट कहते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों इसमें एंगल किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एफ एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम कॉस किस में लिखेंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों एफ वाले में ही लिखेंगे ना। तो दोस्तों यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या हो जाए दोस्तों, एफ कॉस 40 डिग्री, और एफ का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ से, तो एफ का वैल्यू दोस्तों कितना है 15 न्यूटन, या 15 cos 40 डिग्री हो जाएगा, जिसका वैल्यू आता है दोस्तों 38.3 न्यूटन। ये आपको दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों एफ वाई का अगर वैल्यू निकाला जाए तो एफ साइन 40 डिग्री होगा, क्योंकि इस वाले एंगल साथ तो एंगल जुड़ा हुआ है नहीं, तो जिसके साथ एंगल नहीं जुड़ा हुआ था उसे हम साइन में कहते हैं, साइन कंपोनेंट। तो इसका वैल्यू, एफ का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 15, और साइन और 40, तो ये होगा 32.14 न्यूटन। इसका डायरेक्शन दोस्तों कैसा है, तो ऊपर क्यों है तो इसको हम डायरेक्शन ऊपर की ओर दे सकते हैं, और इसका डायरेक्शन कैसा है दोस्तों कि इस डायरेक्शन में, तो इसको हम इस डायरेक्शन में कर सकते हैं। डायरेक्शन देना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप दीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये दोस्तों जो रिजल्टेंट होता है दोस्तों वही फोर्स होता है मैंने। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही कहा है दोस्तों कि रिजॉल्व द फोर्स 650 न्यूटन इंटू टू कंपोनेंट, मैंने कि दोनों कहने का मतलब है दोस्तों कि 650 न्यूटन का एक फोर्स है जिसको दो कंपोनेंट में बांटना है। तो फिगर जनरली दोस्तों ऐसा दिया हुआ है, तो इस फिगर को देखते दोस्तों आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको दो कंपोनेंट पहले आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। तो एक कंपोनेंट हम दोस्तों अगर ऐसे में ड्रॉ कर दे, और एक कंपोनेंट दोस्तों हम ऐसे में ड्रॉ कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये वाला जो एक्सिस रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और जो ऐसे रहता है वर्टिकली उसको हम क्या, कौन सा एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। बात रखे दोस्तों कि ये जो 20 न्यूटन का एंगल बन रहा है ये किस वाले एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, वाई वाले एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। तो अभी में दोस्तों हम कॉस कंपोनेंट किसे कहेंगे, तो वाई वाले को कहेंगे ना कॉस कंपोनेंट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों वाई वाले पर क्या हो जाएगा दोस्तों 650 cos 20 डिग्री, जिसका वैल्यू आता है दोस्तों 610.8 न्यूटन। और यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 650 sin 20 डिग्री, जिसका वैल्यू आता है दोस्तों 222.3 न्यूटन। यह दोस्तों आपको आंसर आ गया। लिखने का तरीका ऐसा है कि आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है, फिर एफ एक्स लिखना है, और इसके बराबर में जितना भी एफ एक्स का वैल्यू आया है, ये एक्स वाला वैल्यू जितना भी आया आपको पहले उतना लिख दीजिए, और फिर आपको डायरेक्शन इसको दिखा दीजिए कि किस डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन में दोस्तों, इस वाला डायरेक्शन में है कि नहीं, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम इस वाला डायरेक्शन में दर्शा देंगे। अब दोस्तों एक और प्रश्न है, रिजॉल्व द फोर्स 800 न्यूटन इंटू टू कंपोनेंट। इसमें दोस्तों एक फोर्स दिया हुआ है, एक रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है, जिसको भी हमको दो कंपोनेंट में बांटना है। फिगर दोस्तों देख लीजिए, ऐसा फिगर है, फिगर देख के दोस्तों आपको घबराना नहीं है। उस ये वाले फिगर में भी सबसे पहले आपको दोस्तों दो कंपोनेंट बांट लेना है, लेकिन उससे पहले आपको एंगल इसमें दोस्तों डिफाइन नहीं है। ये जो एंगल है दोस्तों 10 डिग्री, ये दोस्तों ना तो एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, और ना ही ये दोस्तों वाई एक्सिस के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग के प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले हम एंगल फाइंड करें। तो दोस्तों सबसे पहले एंगल फाइंड करना है, तो ये वाला दोस्तों कितना था, 45 डिग्री था, और ये वाला कितना था दोस्तों, 10 डिग्री था। तो अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ से अगर हम ऐसे एक लाइन पार दे, और इधर से हम लाइन पार दे, और ये इंटरसेक्ट करे दो लाइन को, तो ये वाला एंगल के बराबर होता है कि नहीं दोस्तों? तो जितना ये दोस्तों ये 45 डिग्री है, उतना ये 45 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से इतना जो है वो 10 डिग्री है, तो इतना कितना होगा, तो 45 - 10 = 35 डिग्री। तो आपका एक्स एक्सिस का अलॉन्ग जो एंगल है वो पता चल गया कि 35 डिग्री का है। तो अब जो हम जो कॉस कंपोनेंट किसे कहेंगे, तो एक्स वाले एक्सिस को हम कॉस कंपोनेंट कह देंगे। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 35 होना चाहिए, 35 10 नहीं होना चाहिए, यह दोस्तों 35 डिग्री है। अब हम लोग दोस्तों जो एफ एक्स बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, तो जो 800 न्यूटन है, तो 800
और इस वाले एंगल के साथ मेरा एंगल जुड़ा हुआ है, इस वाले एक्सिस के साथ मेरा एंगल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कॉस कंपोनेंट कर देंगे। तो 800 cos 35 डिग्री, और यहाँ पर इसका वैल्यू आता है दोस्तों कि -655.3 न्यूटन। अब दोस्तों ये माइनस कहाँ से आया, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर एक्स एक्स ये वाले ओरिजिन के अगर इस डायरेक्शन में अगर एक्स निकालना हो तो माइनस में रहता है, और अगर इस डायरेक्शन में निकालना हो तो दोस्तों प्लस में रहता है। वाई अगर ऐसे रहे तो प्लस में रहता है, अगर वाई नीचे रहे तो माइनस में रहता है। ये दोस्तों बेसिक चीज़ है, आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों एफ एक्स तो बराबर तो वैल्यू आ गया 655.3 न्यूटन। अब एफ वाई का वैल्यू कैसे आएगा, तो एफ वाई का भी वैल्यू वैसे ही आएगा कि आपको ये जो 800 न्यूटन है तो 800 न्यूटन, और इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ नहीं है, तो जिसके साथ एंगल जुड़ता नहीं है उससे हम साइन कह देते हैं, और ये 35 डिग्री का 35 डिग्री हो जाएगा, तो इसको आपको आ जाएगा 458.9 न्यूटन। इसको भी दर्शाने का दोस्तों लिखने का दोस्तों नियम वही है, डायरेक्शन आपको दे देना है, और निगेटिव भी आप बता सकते हैं, मतलब इसमें आप डायरेक्शन दे दीजिए, नहीं तो फिर आप साइन लगा दीजिए, आपको दोनों में से कोई भी कर दीजिएगा तो आपका सही है। अब दोस्तों थोड़ा सा अब टफ क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो बहुत हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करना है इस वाले फिगर का। तो दोस्तों हम पहले स्टेप में क्या बोले थे, सबसे पहला स्टेप क्या था दोस्तों, कि सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व करिए, फिर दोस्तों वर्टिकली फोर्स को रिजॉल्व करिए, फिर दोस्तों रिजल्टेंट आता है दोस्तों कि हॉरिजॉन्टली फोर्स इन प्लस में वर्टिकली फोर्स को आप स्क्वायर करके अंडर द रूट कर दीजिए, फिर दोस्तों आपको डायरेक्शन करना है तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, कि टेन इनवर्स समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल भागा समेशन ऑफ वर्टिकली। तो ये दोस्तों चार स्टेप था, तो पहला स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली करने का मतलब क्या है दोस्तों, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी फोर्स है सबसे पहले हम उसे रिजॉल्व करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोस्तों क्या है, पहला रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो ये वाला है। इससे प्रीवियस वाले जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों उसमें हम एक एक करके हम रिजॉल्व करते थे, लेकिन दोस्तों इसमें हम एक ही साथ सारा का सारा रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम एक साथ ही रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे टाइम बहुत ज़्यादा दोस्तों लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये वाला फोर्स रिजॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों एंगल किसके साथ बन रहा है, 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 20 cos 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, अब इसका काम खत्म होगा। अब दोस्तों बात रहा, अब ये वाला की तरफ आते हैं, इसमें जो एंगल बन रहा है दोस्तों 15 डिग्री, ये किस एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, और जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस को लेकर चलते हैं, तो आपको जनरली आपको एक्स एक्सिस के ही तरफ देखना है, तो ये आपको 50 डिग्री बन रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, ये जो 30 है तो 30 cos 15 डिग्री। अब दोस्तों ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जिसका 40 डिग्री है एंगल, वो किस एक्सिस का लॉन्ग बन रहा है, तो माइनस एक्स एक्सिस का लॉन्ग बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या सॉरी दोस्तों यहाँ पर यहाँ हो जाएगा -70 cos 40 डिग्री। तो दोस्तों अब इसका 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 आप सॉल्व करिएगा तो माइनस में 17.01 न्यूटन आएगा दोस्तों, ये आप सॉल्व करिएगा दोस्तों। ये जो दोस्तों साइन होता है इसे हम समेशन साइन कहते हैं, ये साइन लगाने से सम वाला साइन है दोस्तों ये। अब दोस्तों सेकेंड स्टेप क्या कहता था, कि सारा फोर्स को वर्टिकली रिजॉल्व करिए। वर्टिकली रिजॉल्व करने का मतलब दोस्तों कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग सारा फोर्सेस को आप रिजॉल्व करिए। तो दोस्तों पहला ये जो है 20 न्यूटन का, इसको हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सॉल्व करने का क्या मतलब दोस्तों, कि साइन वाई एक्सिस के इस वाला एक्सिस का लॉन्ग हम सॉल्व करेंगे, तो इस वाला एक्सिस का लॉन्ग तो एंगल नहीं है, तो एंगल नहीं रहता दोस्तों, हम सिंपली बताए थे तो साइन कंपोनेंट कहेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है कि 20 sin 30 डिग्री कर देना है, क्योंकि ये जो 20 है ये तो रिजल्टेंट फोर्स है, और ये जो 30 है वो 30 रहेगा ही, और इसके साथ तो कुछ एंगल नहीं बन रहा, तो इसको हम साइन कहेंगे। तो आपको 20 sin 30 डिग्री कर देना है, प्लस में 17 sin 40 डिग्री कर देना है, माइनस में 30 sin 50 डिग्री कर देना है, ये तीनों फोर्स का आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रिजॉल्व हो गया। इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 32.01 न्यूटन आपका इसका वैल्यू आ गया। अब दोस्तों मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोस्तों हम क्या बोले थे, कि जितना हॉरिजॉन्टली का आया वैल्यू और जितना वर्टिकली का आया वैल्यू, उन दोनों का स्क्वायर करके अंडर द रूट कर देना है, तो आपका मैग्नीट्यूड दोस्तों इतना निकल जाएगा 36.24 न्यूटन। अब दोस्तों यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो पूछ ही रहा है, प्लस में डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम दोस्तों क्या बोले थे, कि टेन बराबर क्या था दोस्तों, कि समेशन ऑफ वर्टिकली इंटू सॉरी दोस्तों समेशन ऑफ वर्टिकली भागा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली। तो अल्फा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो टेन इनवर्स और समेशन ऑफ वर्टिकली भागा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली।
तो बेसिकली आपको वैल्यू पुट कर देना है दोस्तों, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो आपको 62.01 वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको आगे कुछ डायरेक्शन। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों यह कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कॉन्करेंट फोर्स 8 न्यूटन 12 न्यूटन एंड 15 न्यूटन मेकिंग एंगल 30 डिग्री 70 डिग्री 120 डिग्री एंड 140 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ पोजिशन ऑफ एक्स एक्सिस या पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। कहने का मतलब यह दोस्तों कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, जो कि बहुत सारे फोर्स है, कॉन्करेंट फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है दोस्तों, ये हम प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से डील किए थे। अगर आप कॉन्करेंट फोर्स को लीनियर फोर्स कोप्लेनर फोर्स ये सब के बारे में नहीं जानते तो आप ये वाले इससे प्रीवियस वाले लेक्चर का वीडियो देखिए दोस्तों, आपको वह सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है। तो कॉन्करेंट फोर्स करने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत सारे फोर्स एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रहा हो या मिल रहा हो, उसी को हम दोस्तों कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे फोर्स है, मतलब कि एक 8 न्यूटन का फोर्स है, एक 12 न्यूटन का फोर्स है, एक 15 न्यूटन का फोर्स है, एक 20 न्यूटन का फोर्स है, ये सारा का सारा दोस्तों ये वाले पॉइंट पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, प्रश्न से ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों रिजॉल्व करके हम एक सिंपल फिगर बनाते हैं। तो हम इसको एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस दो को एक्सिस ले ली है, इसमें ये वाले पॉजिटिव वाले साइड में एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये नेगेटिव वाले साइड में 14 डिग्री का एंगल बन रहा है, 16 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कैसा है? तो आप 180 माइनस 14 कर दीजिएगा और 180 माइनस 120 कर दीजिएगा तो आपको ये सब वैल्यू आ जाएगा। तो बेसिकली आपको भी ऐसा ही वैल्यू निकाल देना। अब दोस्तों हम स्टेप वन में क्या बोले थे कि जितना भी हॉरिजॉन्टली वैल्यू है उसको रिजॉल्व करिए, फिर वर्टिकली जितना वैल्यू है उसको रिजॉल्व करिए, तो ये आपका जाएगा। और इसको रिजॉल्व करके यहाँ पर जो वैल्यू आएगा दोस्तों आपका ये हॉरिजॉन्टली का आंसर होगा, फिर आपको ऐसे रिजॉल्व करेगा तो ये आपको वर्टिकली का आंसर होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था दोस्तों कि मैग्नीट्यूड निकालना है या रिजल्टेंट, तो इसका स्क्वायर जितना वैल्यू इसका आएगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और दोनों को सम करके आप अंडर रूट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जितना वर्टिकली का आया उसको भाग दे दीजिए जितना हॉरिजॉन्टली का वैल्यू आया है और 10 इन्वर्स कर दीजिए, तो उसको जो वैल्यू आएगा दोस्तों आपको वो हो जाएगा डायरेक्शन। तो ये दोस्तों ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया हूँ, आप इसे सॉल्व करिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यह कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहें, धन्यवाद।